लोक गायक बने मछटंडे कद्दू विच फसाए डंडे टंग दी बांते बांदी टंग 800 रुपया पेटा चार जनां दित्ती जांदी है जी। 800 रुपया पेटा नाल किदा ढिड नहीं चलदा जी। जो बंदे है ना कबीलदार बंदे ने आम बंदे दा नहीं चलदा ढिड। गाना गाउंदे आ पिंडों शहरों लब के नाल दी कुड़ी लियाउंदे आ। पर मसला यह आ भी साड़ी भी एक ऑडियंस आ, चलो मान लो घट वा, पर एक चंगा लगता जी जो परिवार के बह के सानू सारे कहते भी हाँ बहुत वधिया तुसी काम करदे हो, कोई माड़ी गल सानू किसी पासों माड़ा रिस्पोंस नहीं मिलता। खाड़े विच टाइम नहीं लगता पौंदे पर टाइम गवाइए कट्टे जांदे झट परचे इन्ना भी सच ना कहिए। उदां वाह वाह तो बथेरे कर रहे जी, पर तुसी कल कि अज मैं ताड़ियां नाल ढिड नहीं भरदा हुंदा। पुत ना प्यो दी मां दी नाती गल मन्ने पंजा क साला मगरों आउंदे ठग बन सवन्ने। गायकी दा असल मनोरथ ए सी भी एक इंसान भी भावें आपां नूं सुनने वाला होवे अगर वह चंगे राह पैंदा, वह अपनी गायकी नूं सुन के चंगे राह पैंदा तां शायद मैनूं लगदा भी अपना इस गायकी वल आउण दा जिहड़ा मनोरथ सी उह सफल हो गया। छणका के आईया ने मतलब गीत दा पता ते नचदियां नाल पाइया दे। पर जी हे साडे नाल जी हुण जिवें असी हड्डां च रचण वाली गल हो गई साडे, इस तरह अमड़ी फुक्की फिल्म तो बिना नहीं रह सकदा सी, इहदे बिना इस तो इहदे बिना नहीं रह सकदा जी। आ चुमड़ियां ने कहना मन के वड्डियां दा कई रा चुमड़ियां ने टिकटॉक ते शर्मा दस क्यों ला दियां कुड़ियां ने। उत्थे दी एक भैण सीगी ओहदा सिर्फ इसे गल करके रिश्ता सी जिहड़ा वो टुटिया कि वह कहिंदी सी मैं टिकटॉक बनाउणी आ ते सहुरे परिवार वाले कहिंदे सीगे कि तूं वीडियो नहीं पाउणी हैगी, वह कहिंदी मेरे फैनस मेरी वेट करदे वी वीडियो कदों आउणी आ। असी खुद सारा कुछ प्ले करना सारा कुछ बजाउणा सारा कुछ करना ते साडे जिहड़े काम नूं लोक सिर्फ इसे गल करके नहीं पैसे भरदे कि सत श्री अकाल जी। तुसी आर एम बी टैलीविज़न देख रहे हो, मैं तुहाडा दोस्त जस करेवाल। दोस्तों कलाकारी सिर्फ वो नहीं हुंदी जो नच टप वाली हुंदी आ, जिहदे ते धूम धड़का चलदा जां फिर जो साडे कन्नां नूं खांदी आ। कलाकारी उह वी हुंदी आ जो दिल नूं सुकून दिंदी आ, धुर अंदर तक जांदी आ। अज इदां दे कुछ नौजवानां दे नाल तुहानूं तुहाडे रूबरू करवावांगे जो इदां दी कलाकारी करदे ने, कविश्री दे रूप दे विच समाजिक बुराइयां नूं लोकां दे सामने पेश करदे ने, लोकां दी कचहरी दे विच पेश करदे ने। इन्हां नौजवानां नूं तुहाडे रूबरू करन दा मकसद सिर्फ इन्ना क्योंकि साडी नौजवानी ते उंगलां उठदियां ने कि नौजवानी जिहड़ी आ इदां दी कलाकारी प्रमोट करदी आ, प्रफुल्लित करदी आ, जिहड़ी समाज नूं जिहड़ा आ गलत मैसेज दिंदे आ। तां इह नौजवान भी ने इन्हां नूं प्रफुल्लित करना प्रमोट करना बनदा भी आ तां जो इन्हां दी हौसला अफजाई हो सके। बाई होरे मेरे नाल होणगे, बाई होरां दे नाल आपां गल्लबात शुरुआत करांगे। सब तो पहलां बाई जी स्वागत आ, सति श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आर एम बी टैलीविज़न की समुची टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जियां जिन्होंने सानू इत्थे पेश करन दा समझिया के योग है, इन्हां नूं पेश करना चाहिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ਬਾਈ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਪਰ ਟਾਈਮ ਗਵਾਈਏ ਜਾਂਦੇ ਝਟ ਪਰਚੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾ ਕਹੀਏ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਝਟ ਪਰਚੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾ ਕਹੀਏ ਜੁਗਿਆ ਪੁੱਤ ਨਾ ਪਿਓ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਨਾ ਧੀ ਗਲ ਮੰਨੇ ਪੰਜਾ ਕ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਠੱਗ ਬਨ ਸਵੰਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਗਏ ਸੀ ਓਏ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪੰਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਗਏ ਸੀ ਓਏ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪੰਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪੰਨੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪੰਨੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ।
अच्छा एक तो अपना नाम जरूर दस्यो, उस तो बाद ये दस्यो कि इदा की कलाकारी वल मोड़ किवें लिया, क्योंकि जिदा मैं दस्या साडी नौजवानी तो उंगलां उठदी क्योंकि धुआं भी उतों ही निकलता बई जिथे अग लगी होंगी है ना जी। हाँ जी हाँ जी, कुछ ना कुछ तो गलत है ज हो रहा है ना, तो किवें मोड़ इस कलाकारी वल लैना पिया, कविश्री वल थानू आना पिया, तो वह चीज़ा दर्शाउणियां पईयां जिहड़ियां समाजिक बुराईयां ने, चंगे गीत आउंदे उहनां नूं तुसीं अपनी कविश्री दे रूप दे विच पेश करदे हो। सब तो पहलां तां जी मैं दस दवां, मेरा नाम लखविंदर सिंह, तो पिंड मेरा बाड़ेवाल, जिला लुधियाणा के नज़दीक ही मेरा पिंड लगता है। तो जिस तरह तुसीं गल की शुरुआत की है कि कविश्री और लोक साज़ां नाल किद्दां जुड़े और इस लोक रंगां नाल लोक गीतां नाल किद्दां जुड़े और वह गायकी तो कमर्शियल गायकी तो हट के इस गायकी किदा असी स्वीकार किया ज कह लिए भी किस तरह सूँ पसंद आई है, यदा भी बहुत व्डा रीज़न है जी। बचपन जदों मैं छोटा हों तो मेरे केस कट्टे होंगे सी, तो गुरु घर जाने लगे तो रुझान इस लाइन के वधदा गया, तो उस तरह की संगत का रंगत जिदा कहते होंगे संगत की रंगत वह चढ़ती गई, तो उस संगत का असर होया कि हौली हौली क्लासीकल संगीत जिहड़ा अपना जिहड़ा शास्त्रीय संगीत हुंदा उहदे वल रुझान वधिया, उहदे विच तबला हारमोनीयम सितार ते होर जिहड़े ढोलक ते होर जिहड़े अपने रिवायती साज हुंदे ने उहनां नूं वजाउणा शुरू कीता, तो हौली हौली जदों फिर असीं SCD गवर्नमेंट कॉलेज दे विच मनजिंदर ते जसविंदर होणा नाल मेरा मेल होया, तो इत्थे फिर जिहड़े जोनल यूथ फैसटिवल होंदे सी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के अंडर होंदे सी, फिर उन्हां दे विच असीं वार कली कविश्री फोक ऑर्केस्ट्रा फोक सोंग भंगड़े दीआं बोलियां झूमर दीआं बोलियां लोक रंगां नाल ते अपने धार्मिक रंगां दे नाल असीं जुड़े इत्थे, ते ओह करदे करदे फिर पता ही नहीं लग्गिया कदों असीं इस इधर ज़्यादा रुझान हो गया, तो उधर नूं मतलब जाण दा हुण इक मन ही नहीं बन रहा कि उधर ओह वाली गायकी नूं असीं एक्सेप्ट करिए। अच्छा बाई हुरे मैनूं लगदा भरा आ गए। हाँ जी बाई हुरे ब्रदर आ। अच्छा बई जदों तो तुसीं फिर घरों मिलदा है कि इदां लंघी तुहाडे कई बार कह जांदा कि अरे किहड़ा कम्मां चों कम्म आ इह किहड़ा कित्ता इह किहड़े कम्म वल पै गए, चलो दो पुत्त आ कहिंदे चलो यार इक इस कम्म वल पै गया दूजा किसे कम्म ही करी लगे, फिर घरों नहीं कहिंदे सानूं। मेरा नाम जी मनजिंदर सिंह, मैं लुधियाणा खास का ही रहने वाला जी। जे तुसीं गल कह रहे हो बई घरों घर साडे फादर साहब सरदार हरबंस सिंह उन्होंने सानूं इस लैन वल लाया जी, क्योंकि साडे दादा जी का सुपना सीगा जी ये कुछ करन बई ढाडियां नूं जा सुणदे हुंदे सीगे जी, तां सो हौली हौली पहलां असीं छोटे हुंदिआं ने जी कविश्री सिक्खी, कविश्री स्कूल टाइम असीं गाण लग गए जी दोवें भरा, जदों असीं स्टेज ते गाउंदे सी पहलां सानूं कविश्री दा नाम नहीं पता हुंदा सी वी कविश्री हुंदी की है जी, ते कविश्री नूं हौली हौली जदों असीं पहली वारी गाया ते 23 जूनां विच असीं फस्ट आए जी, ते उदों बाद सतनाम सर प्लेयर ट्रस्ट उहनां वल्लों कराया गया सीगा जी, उहनां तों असीं फस्ट आए दोवें भरा, तो हौली हौली असीं कविश्री नूं गाते गए अगे बाद उदों बाद जी सरदार संदीप सिंह जी लोहारा मेरे उस्ताद जी ने उन्होंने पासों सुरंगी सीखी जी, मैं सुरंगी दा हाथ उन्होंने मेरा रखाया जी, उदों बाद जी असीं हौली हौली करते करते इस लैन वल वधी गए, तो घर वालों कोई इदां दी गल नहीं, वो आप प्रेरणा देंदे सानूं। अच्छा चलो ठीक है, थोनू खुद नूं इंट्रस्ट बनिया है ना, वड्डी गल ये आ बई जे कुछ करना यार हौसला उस चीज़ वल पैना ला दिंदी आ, हौसला जिवें मैं कहा कि उदी पऊगा जदों कोई हौसला अफजाई करदा आ तुहाडे, क्योंकि देखो कलाकार जिहड़े आ कहिंदे हुंदा ताड़ी दा भुखा हुंदा पैसे दा भुखा नहीं हुंदा है ना जी, पैसा मिलदा रहिंदा ताड़ी दा जरूर भुखा हुंदा, ते इन्हां चीज़ां दे विच असीं भी जाणदे आ हुण लुकाउण नाल तां कोई परदे दे सानूं भी पता है कि किन्नी कु मकबूलीयत मिलदी आ है ना, लोक किन्ना कु सलाउंदे आ है ना, तो फिर ये हौसला कितों लियाने कि यार कोई गल नहीं अज नहीं तो कल कल नहीं तो परसों, राह जिहड़ा लमेरा आ मंजिल मिलू लमेरा आ कदों मिले मिले जां ना मिले दा भी पता नहीं, तो फिर ये हौसला भाई किवें करदे? एक मन की शांति होंदी, एक मन की संतुष्टि होंदी, वैसे तो जी आपां नूं पता ही है कि मन की जिहड़ी एक भटकण आ कदे खत्म नहीं होंदी इंसान की, संगीत एक चीज़ ही ऐसी आ, संगीत एक एक वक्री लाइन आ जो आपां नूं यही सिखाउंदी आ, क्योंकि आपां सिंगर आम देखते हैं कदे आपां उन्हां दीआं कॉन्ट्रोवर्सियां रोज़ देखते हैं, आ सिंगर दा फलाने सिंगर नाल जी चलो नाम तो आपां की लैणा, तो आम आपां देखते हैं कि सिंगर दा जी उहदे नाल विवाद होया आ गल करके जी आ रौले करके जां इकट्ठ करके भी मेरा इन्ना हो गया तुहाडा इन्ना हो गया, असल दे विच गायकी यह नहीं है, गायकी दा असल मनोरथ यह सी भी एक इंसान भी भावें आपां नूं सुनने वाला होवे अगर वह चंगे राह पैंदा वह अपनी गायकी नूं सुन के चंगे राह पैंदा तां शायद मैनूं लगदा भी अपना इस गायकी वल आउण दा जिहड़ा मनोरथ सी उह सफल हो गया,
तो बाबू राजा बली हुणी बहुत मालवे के महान कविशर होए ने, है ना। उन्होंने बहुत समय पहला लिखता सी कि आ जग विच भुल गया जी गफलता ज़्यादा करिया जो वादा फीम खा गुड़ के करी जावे जुड़ के मार दे जकड़ा गपौड़े वढ़ दे उहदा नां ना जप दे जी जिहड़ा दे विच टुकर करन ना शुकर बुरी कार कर दे भले कम छड्ड दे। उन्होंने बहुत समा पहला ही ये कह दिता सीगा कि इहदा जिहड़ा पंजाब दा जिहड़ा असली रंग वा उहनूं तुसीं संभालो लोको। तो पर अपनी जिहड़ी अजकल दी नौजवान पीढ़ी आ जां कह लईए कमर्शियली पैसे दे पिछे भज्जण करके जां कह लईए नाम नूं कि शोहरत मिल जाए वो किसी हद तक वो नुकसान भी आ उस चीज़ का। तो मैनू नहीं लगता भी इन्ना मन नूं भजाउणा चाहिए या मन की भटकन होनी चाहिए। हाँ एक संगीत नाल जुड़ो, संगीत नाल जोड़ो, ये नहीं है कि संगीत नाल जुड़ के आप एक पाड़ पाइए जां अपने लोगों के विच कि मेरी फैन फॉलोइंग है ये तुहाडी फैन फॉलोइंग आ, तो वो नहीं होना चाहिए। मतलब सब नूं जोड़न दा एक काम होना चाहिए। संगीत असल में जोड़दा ही है जी, तोड़दा किसी नूं नहीं हैगा जी। तुसीं बाबू राजा बली का नाम लिया, मैं चाहूँगा उन्हां दी कोई लिखत दे विचों जरूर साडे नाल सांझा करो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, असीं उन्हां दी लिखत गाउंदे हुंदे आ जी। बहत्तर कला छंद असीं कॉलेज दे विच गाउंदे हुंदे आ। हंस सिंह बराड़ माणीखेड़े वालियां दी उन्हां दी असीं गाउंदे हुंदे आ। लोक गायक बणे मछटंडे कद्दू विच फसाए डंडे टंग दी बांह ते बांह दी टंग है सुर तों बाहर पाड़ दे संघ है कहण दो गाणा गाउंदे आ। पिंडों शहरों लभ के नाल नाल दी कुड़ी लिआउंदे जी जरूरी। लोक गायक बने मछटंडे कद्दू विच फसाए डंडे टंग दी बांह ते बांह दी टंग है सुर तो बाहर पाड़ दे संग है सुर तो बाहर पाड़ दे संग है कहण दो गाना गाउंदे आ। पिंडों शहरों लभ के नाल दी कुड़ी लियाउंदे आ। पिंडों शहरों लभ के नाल दी कुड़ी लियाउंदे आ। सुनदी वेखे झलक जनानी दी दिन काल युग दे माड़े वधगी कार शतानी दी दिन काल युग दे माड़े वधगी कार शतानी दी। मैं क्या दिन काल युग दे माड़े वधगी कार शतानी दी। अच्छा बई ने जिहड़ा आ चंगा टोटका कसिया कलाकारां ते, इक गल होर दसदा मैं बई म्यूजिक डायरैक्टर भी आ कलाकारां नूं म्यूजिक भी दिंदा बई जदों फिर कलाकार आउंदे इह नहीं कहिंदे यार तूं तां साडी पट्टगो मेस करी जांदा पतंदरां नाले सानूं म्यूजिक देई जांदा है। नहीं ज़्यादातर मेरा जिहड़ा रुझान आ तुसीं मेरे जिहड़े ट्रैक देखे होणगे म्यूजिक जिन्हां दे विच मैं एज ए म्यूजिक डायरैक्टर काम कीता वा उन्हां दे विच जिहड़े ज़्यादा गीत ने वो ज़्यादा रिवायती अपने किसानी जीवन ते किसानी जीवन ते जिस तरह हुंदे ने जां तुसीं यूट्यूब ते देख सकदे हो बाई जंग ढिल्लो उन्होंने दीप वासियां जी दी आवाज़ दे विच गाया सीगा कलोरो। पठियां चों दाती दे गुम्मण दा साडे घर विच पै जे सोग जिहा बिजली दे बिल दे आवण दा सानूं भै मरगां दे भोग जिहा साडे सदा सुहागण नहीं वसदी ते चूड़े जांदे खिंड कुड़े मेरा सतलुज लागे टिब्बियां च छोटा जिहा इक पिंड कुड़े। बाई जंग ने यह शेर जिहड़ा लिखिया सी इह वी मेरी आवाज़ दे विच ही रिकॉर्ड होया होया ते बड़ा वधिया लगता जदों इदां दीआं किसानी जीवन दे उत्ते आधारित। चलो एक दौर भी आ कि किसानां दा थोड़ा जिहा हुण आपां नूं पता ही आ सारिआं नूं कि बहुत धक्का हो रिहा किसानी किसानी जीवन नाल। तो वो गीत असी तकरीबन 2019 के 2018 के असी काफ़ी समा पहला असी करते आ रहे हैं किसानी जीवन के उत्ते। उस तो बाद पक्की खड़ियाँ तू मूँह क्यों नहीं बोलती दुख मालिक ना कह तो नहीं फरोलती निगाह बेबे की गई है सज्जी अख की तूड़ी वेच के तैत की बना लेंगे छोटी भैन नूं व्याह दी बस कण के बाकी लिमटा तो झोने उत्ते ला देंगे। ये गीत भी बहुत मकबूल होया सीगा जी, ये भी म्यूजिक मैं ही किया सीगा जी। अच्छा ये चीज़ नूं पैशन आ मन लिया, चलो हुण थोड़ा पैशन बन गया, प्रोफेशनली तौर पर अपना चाहते हो या नहीं? क्योंकि देखो कहते कि कलिया ताड़िया भी ढड़ नहीं भरदिया, ढिड भरन वास्ते कोई रुजगार जरूर चाहिए। तुसी पासे म्यूजिक भी कर रहे हो, चलो चंगी गल, बाई हुरे भी कम कर रहे हैं, वधिया गल आ। प्रोफेशनली तौर पर इस चीज़ को अपना चाहते हो?
एक जिस तरह मान के चलिए जे आप सोचा जाए कि चंगी ऑडियंस है एक सुनने वाली माड़ी ऑडियंस भी है तो सानू लगता भी सानू एक चंगी ऑडियंस ही सुनती है मान लो वो मकदार या गिणती घट वा पर सानू एक संतुष्टि होंगी भी जो सानू सुनते हैं वो लोग सूझवान होंगे ने बहुत वधिया सानू कहते हैं कि हाँ कोई कोई माड़ी गल तो असं करते नहीं जी पहली गल तो है ना तो जो चंगे लिरिक्स होंगे ने जो चंगे राइटर ने असं उन्हां दीआं लिखतां ही चकते हैं तो बाकी कोशिश रहिंदी है कि वधिया मैटर जिवें रिवायती बाबू रजब अली होना असी तो बाकी बापू करनैल पार सरामू वाली जी उन्होंने भी पिछे से असं गाया से हरभजन मान साहब ने अपने पेज पर बड़ा वधिया शेयर उन्होंने किया बहुत वधिया रिस्पोंस मिलिया तो बाकी रही गल ऑडियंस की जे आप कही जा जाए कि आप सतेंद्र सरताज डॉक्टर सतेंद्र सरताज होना वर्गे सिंगर भी है जिन्होंने सुनने वाली एक अच्छी ऑडियंस आ और एक पास आप दूजे जोड़े कमरशियल गायक ला लीए नचण टप्पण वाले ज कन्ना च मुंदर तो चलो वह भी एक उन्हों का अपना रुझान आ एक आप किसी माड़ा नहीं कहते पर मसला यह आ भी साड़ी भी एक ऑडियंस आ चलो मान लो घट वा पर एक चंगा लगता जी जो परिवार के बह के सानू सारे कहें भी हाँ बहुत वधिया काम करते हो कोई माड़ी गल सू किसी पास माड़ा रिस्पोंस नहीं मिलता है तो खुशी होंगी जी रिश्तेदारियों चो भी फोन आते हैं दोस्तों मित्रों के भी फोन आते हैं दोस्तों मित्रों रिश्तेदारियों चो भी अगे जो कोई वीडियो वायरल होंगी है तो खुशी होंगी कि हाँ यार कुछ चंगा करते हैं चलो माड़ा घट्टो घट कुछ माड़ा करने वालों कुछ चंगा तो कर दी है जी तो जदों ये सलाहता चलो ठीक है रिश्तेदारों वालों मिल गई मन लिया जो ये सलाहता उन्होंने कलाकारों वालों मिलती है जो चंगा हूँ तुम मान साहब की गल की जिहड़ा खुद बहुत चंगा काम कर रहे चंगी गायकी जी है ना दे रहे तो उदों कि लगता की रिएक्शन होंगे की रिस्प रिएक्शन इदा हों जी जिदा हूँ अमेरिका दे सियाटल दे विचों भाई जसवीर बराड़ होना ने सानू मतलब बहुत उत्साहित किया उन्हां दी कंपनी भी हाई प्रैक्टिस उन्होंने सानू कहा सीगा कि तुसीं करो जिहड़े भी प्रोजैक्ट अपने पद्धर दे उत्ते करने ने ते क्योंकि म्यूजिक तो मैं आप खुद करदा वां ते लिरिक्स भी चलो चोण उन्हां दी असीं आप देख के चोण करदे हां जिदा तो उस तरह उन्होंने सानू बहुत उत्साहित किया कि असी जिन्नी भी थोड़ा फाइनैशियल प्रॉब्लम आ जा कोई हो किस कोई भी म्यूजिक के दौरान वीडियो के दौरान जिन्नी भी थोड़ा किसी भी चीज़ की लड़ आ सानू बहुत उन्होंने खुले दिल नाल सानू कहा बड़ी खुशी होंगी आ जो इदा के लोग प्यार करते इदा दी वीडियो प्यार करते तो सानू लगता भी हाँ यार जे एक उठ्या तो होर भी उत्साहित हो गए यह है कि दौर चेंज करने वास्ते ये नहीं कि भेड चाल के लगना चाहिए कि वह सिंगर ने बाल कटा के या इदा करा इदा करता तो वो एक बहुत बहुत उच्चे मुकाम ते पहुँच गया सानू लगता हुंदा कि किसी नवी लीह पाउण वास्ते एक आपदा राह भी चुनना पैंदा हुंदा इंसान नूं ते ओह उदां राह फिर उदां दी रब उदां दी बना दिंदा हुंदा जी युक्त अच्छा भाई दादा जी ने सोचिया मुंडे कुछ करन अज मुंडे वधिया कर रहे आ है ना नाम भी बना रहे आ चंगी कर रहे चंगा कर रहे आ वड्डी गल इह आ वी चंगा कर रहे आ सत्कारयोग कर रहे आ फिर किदां दा रिस्पोंस रिएक्शन है रिस्पोंस जी फिलहाल तो घरों परिवार सारे जिन्हें रिश्तेदार आंढ़ी गुआढ़ी जिन्हें भी सानू जानते हैं उन्होंने वालों वधिया रिस्पोंस आ रहा बी वधिया बच्चे लगे हुए ने बई काम कर रहे ने कोई माड़ा काम नहीं कह रहे सानू बी सभ्याचार की सेवा कर रहे हैं जी उदा असी फिलहाल ढाडी स्टेजा उत्ते सिख स्टेजा उत्ते एज ए ढाडी भी असं विच रहे हैं जी सरदार बलविंदर सिंह रोणी उन्होंने असं जाते हूँ स्टेजा पर जी तो सो वधिया रिस्पोंस मिल रहा फिलहाल तो जी फिलहाल तो हाले करोना करके थोड़ा जिहा काम तुहानूं लग पता ही है जी तो बाकी वधिया चल रहा जी क्योंकि जिदा असीं कविश्री दे विच देखिया ना लमेरी उमर दे नूं देखदे हुंदे सी ना जदों मुंडिआं नूं तुहानूं जदों तुसीं स्टेजां ते मुंडिआं नूं देखदे आ तां फिर जिहड़े बैठे हुए लोक हुंदे आ जां मावां भैणां हुंदीआं उह की कहिंदीआं ने देखो जी क्योंकि इह जिहड़ी लाइन आ जी कविश्री ढाडी कला जी क्योंकि अज कल दा जिहड़ा यूथ आ ना जी वह इस लाइन वल आने तो गुरेज करता क्योंकि इस लाइन में ज़्यादा तुम पैसा नहीं है जी श्रोमणी कमेटियां होर कमेटियां ला लो आलमगीर साहब या कोई होर लोकल 800 रुपया भेटा चार जन दिती जाती है जी 800 रुपया भेटा नाल कि ढिड नहीं चलता जी जो बंदे है ना कबीलदार बंदे ने आम बंदे का नहीं चलता जी ढिड वह उस करके कोई भी नवी पीढ़ी अजकल दी यूथ कोई भी आन नू वाधा नहीं गा जी क्योंकि असी आने वाले देखिए तो यदा भविख ज़्यादा वधिया नहीं लगेगा क्योंकि साढ़े अपने थोड़ा ने जी इस करके उदा वाह वाह तो बथेरे कर रहे जी पर तुसी पहला क्या जी मैं ताड़िया ना ढिड नहीं भरदा हुंदा तां करके जी थोड़ा जिहा फाइनैंशियली तो इस वे पैसे घट दिंदे ने मतलब उदा फिलहाल वधिया जी वाह वाह वाध हुंदी है सलाहता करते फिर उही गल आ गई जिहड़ी सलाहता करते फोन फोन कॉल भी आउंदे होणगे कि यार किमें वधिया इदा है ना जोड़ी छोटी हैल्प करेंगे उदा कोई मेरे अर्गा हाले तक पहुँचा गा पैसा धेला भी देने माड़ा माड़े भी यार चल मुंडे ने चंगा गाया मुंडे की हैल्प क्योंकि कल बस कल फोन से कहें यार इन्ने पा देंगे इन्ने पा देंगे नहीं नहीं जी उदा तो फिलहाल तो वधिया जी दस्या जिम्मे जसवीर बराड़ होने वीर जी
वो वधिया मतलब कनेडा तो आए थे सैटल तो अमेरिका तो अमेरिका तो आए थे तो उन्होंने वालों तो वधिया आए थे बाकी फिलहाल तो हाले नवा डोरी है जी जी बिल्कुल इदा कह लिए कि संगीतक प्रेमी बहुत घट ने जां कला प्रेमी जिहड़े आ ढाडी कला नूं पसंद करदे आ कविशरी कला नूं पसंद करदे ने उन्होंने सानूं परसनली बुलाया असी उन्होंने सुनिया सानूं ते कई परिवारां दे विच बह के सानूं लैके गए परसनली जदों अमेरिका तो वापस आए सी इत्थे ते फिर विआह दे विच वी इक फंक्शन दे विच वी सानूं उन्होंने सारयां दे सन्मुख सारयां दे मिलाया सानूं इंट्रोड्यूस करवाया उन्होंने बहुत सानूं उत्साहित किया शायद सानूं लगता भी जे एक इंसान इदां दी लाइन दे विच उठिया तां होर वी कई शख्सियतां आउणगियां होगियां शख्सियतां इधर चलो बराड़ साहब ने किया बराड़ साहब ने सॉरी बराड़ साहब ने चंगा किया पर जदों ये जिवें तुसीं दस रहे हो ना यार देखो कितें ना कितें डर तां हुंदा जदों चंगी चीज़ नूं प्रमोट नहीं किया जांदा प्रफुल्लत नहीं किया जांदा हर किसी भी प्रोफेशन दे विच मान लो दर्द हुंदा फिर कितें ये नहीं यार दिल नूं उस टाइम किवें समझाउणा नहीं हुंदा वी यार छड्ड यार की इन्हां तों लैणा की इस चीज़ तों लैणा वी अपने पैशन नूं पासे रख दिए यार छड्डीए पर कदे शौकिया तौर ते कर लिया यह जी तुम जिमें क्या भी शौकिया तौर पर कर लिया पर जी ये साढ़े ना जी हूँ जिमें असी हड्डा च रचने वाली गल हो गई साढ़े इस तरह अमली फोकी फिल्म तो बिना नहीं रह सकता असं बिना नहीं इस तो ये बिना नहीं रह सकते जी तो क्योंकि संगीत इदा रूह की खुराक है जी इनू जे असी करी जाने तो सू आप सुून मिलता जी ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਾਂਜੀ 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 ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੀਤ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸੀ ਉਹ ਟਿਕਟੋਕ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹੋ ਜੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੀਗਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਖੇੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੀਤ ਆਏ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਟਿਕਟੋਕ ਵੈਸੇ ਬੰਦ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਚਲੋ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਛਣਕਾ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਵੇੜ ਝਾਂਜਰਾਂ ਛਣਕਾ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਗੀਤ ਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਗੀਤ ਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਕਈ ਰਾਹ ਚੋਂ ਮੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਕਈ ਰਾਹ ਚੋਂ ਮੁੜੀਆਂ ਨੇ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦੱਸ ਕਿਉਂ ਲਾਤੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦੱਸ ਕਿਉਂ ਲਾਤੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦੱਸ ਕਿਉਂ ਲਾਤੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਟਿਕਟੋਕ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਤਲਬ ਪਾਇਆ ਸੀ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ ਪਰ ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਟਿਕਟੋਕ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਟਿਕਟੋਕ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਚਲੋ ਉਹ ਗਾਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਤਿੱਤੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਟਿਕਟੋਕ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਬਈ ਯਾਰ ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਕਟੋਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿਓ ਟਿਕ ਮੈਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਕਟੋਕ 'ਤੇ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਂਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਕਲਾ ਗਈ ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਫੋਨਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕਰਿਆ ਵੋ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਕਟੋਕ 'ਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਟਿਕਟੋਕ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਚੰਗੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਚੰਗੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਕੁਛ ਕੁ ਵੀਡੀਓ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਾਂਸ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਛੱਡ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਟਿਕਟੋਕ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਫੈਨਸ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੀ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਵੀ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਚਲੋ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੁੱਟਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਟਿਕਟੋਕ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਫੈਨਸ ਮੇਰੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਦੋਂ ਆਉਣੀ ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਝਗੜਾ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਿਕਟੋਕ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੀਆਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅੱਛਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ
तो वह हूँ आप जो रिलीज़ करा उदों ही आप जरूर सारे सामने आई जाना जी सारे। अच्छा मैं ना बई तो बई तुम इतने आ जाओ, मैं बई तो ना आखिरी सुनेहा लूँगा जाते जाते, क्योंकि बई बोलने कई बार ना घर के कहें तेन तो बुलाया नहीं सानू ना इतने सानू ना कई बार कह देंगे तुम खड़े रहो तुम खड़े रहो, कई बार ना हो जाता सूँ कह दिया कि यार तू बई तो बुलाया ही नहीं यार, बई तू तो हम होता यार मैं खड़ा मैनू कह देंगे यार तस्त बुलाया नहीं, फिर बंद हों यार मैंने तो बुलाया नहीं। बई सुनेहा की देंगे की कहोगे? मेरा नाम जसविंदर सिंह है जी। सुनेहा भाजी यही है जी, जिहड़े साडे साज ने उन्हां नूं प्रफुल्लित करो, क्योंकि अज कल अकैडमियां ने जी हारमोनियम सिखदे आ तबले बारे, पर आज जिहड़े फोक साज उन्हां वास्ते कोई अकैडमी घट ने मतलब कोई, तो यही है भी प्रफुल्लित करो उन्हां नूं ते जी बहुत वधिया हो जाएगा। बई थोड़ा कॉन्फिडेंस आपके आप से लो, असं पता सानू हों अख देख के बंद की इन्ना कहे पछाण लें कि बंदा बेचारा घट बोलने वाला, ता ही मैं बई तो अखीरला सुनेहा लिया। बई अखीरला सुनेहा जाते जाते की कहोगे? अखीरला सुनेहा यही है जी कि नशियां तो बचो, तो पंजाब ते पंजाबीयत नूं कह तो देंदे आ भी असी करदे आ बचावांगे, ते उह करदे है नहीं गे, जाने कि कहण तो भाव भी जिदा अपना कोई हुंदा ही नहीं, जिदा बाबा जी ने भी कहा वा है ना जिदा अपना कोई हुंदा ही नहीं, गाने दे विच भी उन्होंने कहा वा, तो कहिंदे बहुत ने कि ये कर दांगे वह कर दांगे, पर कोई अगे नहीं आउंदा जी इस चीज़ के वास्ते, तो बाकी इस चीज़ ना साडा तो संघर्ष ही चल रहा जी, तो एवें कहीए बनता जुड़ता तो परमात्मा का नाम ही है, एवें कहीए कि बहुत असी कोठियां पालियां इस चीज़ तो जिदा पुरातन गवैये होंदे सी, चलो उन्हां दा नाम भी सीगा, तो यानी कि यह संघर्ष ही आ इन्हां चीज़ों वाल भी अगे आओ साजा साजा वास्ते, जिदा आपां इकट्ठे होए मेन अपना टॉपिक यही सी कि जिहड़े रिवायती साज ने इन्हां नूं संभाल करिए, कह दिंदे सानूं भी चांदी की डब्बी च पा के रखण वाले हो तुसीं काके तुसीं तां बहुत वधिया काम करदे हो, ये वो कह जांदे ने जी, पर मतलब बहुत दुख लगता जदों फिर कह के चले जांदे ने, ते बाद विच साडे जिहड़े सुपने हुंदे ने रीझां हुंदियां कि अगे तक इस चीज़ नूं लैके जाइए, क्योंकि पहला लोग यही अखाड़ियां दे विच सुनदे हुंदे सी कित्थे उदों साउंड स्पीकर हुंदे सी कित्थे माइक हुंदे सी कित्थे उह हुंदे सी, गवाइए फिर के सारे पासे घूम के अपना जिहड़ा मैसेज हुंदा सी एक यूनीक मैसेज हुंदा सी, और वह मैसेज जदों सुनदे सी लोकां ते असर भी रहा जी उन्हां चीज़ां दा, ऐसी गल नहीं है कि असर नहीं रहा, नौजवानां ते असर भी रहा, शायद भगत सिंह हुणां ते वह किताबां पढ़न दा असर सी ते साहित दा असर सी, यूनान दे इक दार्शनिक अरस्तू ने भी कहा सी कि मैं किसी देश दे साहित संगीत और सभ्याचार नूं उत्थे दे साहित जां संगीत नूं सुण के दस सकदा भी उत्थे दे लोकां दी पहरावा लोकां दा रहन सहन लोक किद्दां दे होणगे, उहदी जवानी की किधर नूं जा रही है, हाँ जी किधर नूं जा रही है जवानी, ते हुण जे आपां देखिया जावे शायद वह जे देखदे होण किते तां उहनां ने कहना भी ये तां गैंगस्टर गाने आउंदे ने है ना जी बाहर वैसट कोस्ट जां हिप हॉप चल रहा जो भी, तो वो चीज़ों बीटा ला ला के जिदा हूँ मैं म्यूजिक बना, चलो मैं पता भी लगता इन्होंने चीज़ों बारे, मैं आके सिंगर कहे भाजी तुम इदा करो बीट ला दो असं आप ही बना लेंगे सारा कुछ सिस्टम, बस तुम एक बार बीट ला दो है ना नैट तो चाके या कॉपी कर लेंगे ने, साडा की होंगे जी असं सारा म्यूजिक आपका आप तैयार करते हैं आप ही इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं सारे तकरीबन बाबा जी की मेहर न, तो यह आ कि अजक मुंडे करते बहरला जी बहरला बना म्यूजिक बहरला करना सारा जो जो भी जिदा का चलता वा, तो बड़ा दुख लगता जी भी इन इन्हें जोड़े अपने साज सके इन्ने पवित्र साज सके इन्हों छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद जी महाराज ने ढाडी कला प्रमोट किया, तो नत्था तो अब्दुल्ला ढाडी जी होंगे सी, तो उन्होंने इस चीज़ को मतलब प्रमोट किया, तो आप जा किधर नूं रहे पछमी सभ्याचार नाल जुड़ते जा रहे हैं, मैसेज सिर्फ इन्ना की आ भी चंगे पासे जुड़ो जी सारे, तो सिख के आओ तो जो भी करना जिस भी कला दे विच जाना सिख के आओ, लेखक बनना या तुसी संगीतकार बनना या तुसी गायक बनना या तुसी होर किसी भी फील्ड दे विच जाना सिख के आओगे, फिल्मों दे विच जाना तो सिख के आओगे तो बहुत वधिया रहूगा जी, तो वह अपनों अगे फलदा फुलदा भी है जी। तो भाई जिदा तुसी कहा ना जिहड़े लोग कहे जांदे आ जाते नहीं फिर उन्होंने फड़ लिया करो बह यार है ना कह दिया करो ना यार कि मतलब बाबा जी 800 मिलता सानू तो सिर्फ चांदी दी डब्बियां कित्थों लै लईए पित्तल दी नहीं बननी। हाँ जी हाँ जी जिस तरह स्टूडियो दे विच भी मेरे कोल आउंदे ने लोक जिदा आपां वड्डे म्यूजिक डायरैक्टरां दे नाम लईए, चलो मैं नहीं चाहुंदा किसी दा नाम लिया जावे पर उदां जे उहनां दी गल करिए जावे कि 2.5 लाख जी 2 लाख आपां फोन करदे हां जी असीं गाणा करवाउणा जां असीं इह है ना गीत करवाउणा 2-2.5 लाख तो छेती सूई नीचे लियाउंदे नहीं, पर दुख उदों हुंदा भी जदों यार असीं कम भी मेहनत असीं खुद बजाउणे उन्हां ने सैंपल चक चक के ठोकणे आ या किसी तो अरेंज करवा लिया असीं खुद सारा कुछ प्ले करना सारा कुछ बजाउणा सारा कुछ करना, ते साडे जिहड़े कम नूं लोक सिर्फ इसे गल करके नहीं पैसे भरदे कि इह यार नवें ने असीं पुराने म्यूजिक डायरैक्टरां तों कम करवाउणा जां जिहड़े चल रहे ने उन्हां तों नाम भावें उह करके पता नहीं रब जाणदा कित्थों करदे आ कित्थों नहीं करदे, कुछ म्यूजिक डायरैक्टरां दे मैं चलो
सब नू ही पता जी, उन्होंने पता संगीत बारे कुछ नहीं पता, सारा अरेंज कराते हैं अरेंज अरेंजर ने असल म्यूजिक डायरैक्टर तो पहला होंगे चरणजीत आहूजा साहब होना वेले, उन्होंने बहुत सोहना संगीत पंजाब की झोली पाया, जो जो उन्होंने वनगियां दित्तियां पंजाब नू, शायद मैनू नहीं लगता अज तो कोई 10-20 साल बाद चीज़ा रहनिया ही नहीं, तो फिर अपने को यही रह जाना वा, सिर फड़ के बैठा करांगे गोड्यां च सिर दे के जी ये की आ गया अपने को, आप कितों तुरे सी ते कित्थे कौन सी प्यारे पंज कितों आए सी, किवें सदे गुरां ने, कौन सी ओ जैता की ने सीस सांभिया रखास, पढ़ियो कौन असी कितों जमे कितों आए हैं, इतिहास पढ़ियो भाई जंग ढिल्लों दीआं लाइनां ने, तो बहुत सोहना मतलब एक इतिहास सी अपना, पता नहीं किधर नूं आपां किधर नूं हो गए हाँ, एक हिलाउण दी एक हलूणा देण दी लोड़ है, एक निक्का जिहा साडा मैसेज ही समझ सकदे हो, मतलब कोई ये तो है नहीं कि बहुत वड्डे लैवल दे असीं सिंगर आईआं बहुत वधिया अच्छा गाउंदे हां, चलो एक निक्का जिहा मैसेज ही आ कि शायद सानूं कोई देख के शायद कोई चंगे रस्ते ते पै जावे। बई मैं थोनू आर एम बी टैलीविजन वालों तो खुद बई सलाम करदा यार, सल्यूट करदा, क्योंकि असं जिदा मिलते हैं सानू बहुत घट नौजवान मिलते हैं जिहड़ी चंगी कलाकारी वल आउंदे आ, चंगी गायकी नू प्रमोट करदे आ, प्रफुल्लित करदे आ, मैं सानू सलाम करदा। मैनू पग्गां तुहाडियां बहुत सोहणियां लगियां भरा यार, मतलब है ना बहुत सोहणे लग रहे हो तुसीं, ते तुहाडा बहुत बहुत मैं धन्नवाद करदा तुसीं अज अपने कीमती समय दे विचों सानू समां दित्ता। शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्नवाद आर एम बी टीवी टैलीविजन दा, बहुत बहुत साढ़े तिना भरावों वालों, मनजिंदर जसविंदर ते दास लखविंदर वालों, बहुत बहुत जी आयां नूं जिन्हां ने सानू इस चीज़ के काबिल समझिया कि इन्हां नूं असीं अपने चैनल दे उत्ते दिखा सकीए प्रमोट कर सकीए, एक तुहाडा भी बहुत बहुत धन्नवाद जी, दिल दीआं गहराइआं चों धन्नवाद जी, बहुत बहुत धन्नवाद। सो इह उह नौजवान आ दोस्तो यार जिहड़े वड्डे जेरे नाल वड्डे जिगरे नाल इह कलाकारी साढ़े रूबरू कर रहे आ, क्योंकि इदां दी कलाकार दे लई जिगरा भी चाहिए जेरा भी चाहिए, जिदा बाई जी होरां ने दस्सिया कितें ना कितें यार दुख तो हैगा आ अंदर, कितें ना कितें चीस आ पीड़ कितें ना कितें आ, कि जेकर असीं कितें ना कितें जाने आ तां 800 रुपया बाई होरां ने जिदा दस्सिया कि सानूं भेंटा 800 मिलदी आ, मतलब जे मोटरसाइकिल ते भी जाणो 500-400 दा तेल ही मच जांदा, असीं एक पासे तां इह कहिणे आ लच्चरता पासे करिए, इदां दी चीज़ां चंगीआं चीज़ां नूं प्रमोट करिए, चंगीआं चीज़ां नूं प्रफुल्लित करिए, फिर उत्तों कोई आ के नहीं डिगूगा, उपरों नहीं कोई आऊगा इन्हां चीज़ां नूं प्रमोट करन प्रफुल्लित करन, तुसीं प्रमोट करना तुसीं प्रफुल्लित करना, वड्डी गल इह आ। खासकर बाई होरे कहिंदे बड़े आ कि यार तुसीं बहुत वधिया कर रहे हो, तुसीं चांदी डब्बी 'च पावांगे ये वो है ना, पर बौड़दा हाले तक कोई नहीं बौड़िया, एक अद्धा जिदा बाई जी ने कहा उन्होंने बाई जी होरां नूं भी सलाम बनता सल्यूट बनता जिहड़े इदां दी चंगी गायकी नूं प्रफुल्लित प्रमोट करन दे लई अगे आए आ। साडा मकसद सिर्फ इन्ना सी कि यार आ भी नौजवान ने इन्हां दी कलाकारी वाकई दे विच ही शलाघा योग आ, वाकई दे विच ही प्रफुल्लित करन वाली आ प्रमोट करन वाली आ, जेकर असीं बेसुरियां नूं प्रमोट कर सकदे हां प्रफुल्लित कर सकदे हां जिन्हां नूं शायद ये भी नहीं पता संगीत दी परिभाषा की आ, तां इन्हां नूं तां प्रमोट प्रफुल्लित करना जिहड़ा वाकई दे विच बनदा आ चंगी कलाकारी नूं, जिहड़े इह बोल साडे स्रोतियां दी झोली दे विच पा रहे आ। साडी अज दी मुलाकात किदां दी लगी सानू कमेंट करके जरूर दस्सो, बड़ी जल्दी मिलदे हां किसी होर खास शख्सियत दे नाल, उदों तक अपने दोस्त जस करे बंद हो इजाजत, धन्नवाद जी।